नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरानी राष्ट्रपति की मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट को महायुद्ध की आंधी में झोंक दिया है, क्योंकि एक नहीं बल्कि कई ऐसे सबूत और संकेत मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि रईसी की मौत हादसे से नहीं, बहुत बड़े षड्यंत्र से हुई है। चीन ने तो ये तक दावा कर दिया है कि इब्राहिम रईसी के साथ वही हुआ है जो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे के साथ हुआ था। अगर ईरान के राष्ट्रपति की मौत हादसा नहीं थी तो क्या मोसाद या CIA ने रईसी की हत्या की साजिश रची थी? अगर रईसी की मौत के पीछे षड्यंत्र का कोई भी सबूत मिला तो ये घटना महायुद्ध का ग्लोबल फ्रंट खोल देगी, जिसमें अरब देश जलकर भस्म हो जाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जल गया। सवाल यह है कि साथ में उड़ रहे दो और हेलीकॉप्टर पायलट को पता क्यों नहीं चला। जो ईरान सीक्रेट सुरंगों में एटम बम बनाने के करीब है, उसके राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने 45 साल पुराने अमेरिकी हेलीकॉप्टर में उड़ान क्यों भरी? जो चुनी दौरान महल सबूत बॉलगार दिए के रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम और कोहरे में रास्ता भटक कर क्रैश हुआ, या फिर ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान की सेना के सीनियर जनरल के साथ 8 लोग बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गए? बारह घंटे से ज्यादा वक्त तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान ईरान की सीमा के पास वहां मिला, जहां मोसाद के कई ठिकाने हैं। तो क्या ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों के पीछे पड़ी इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने इस बार सीधे ईरान के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रची? रईसी का ध्वस्त हेलीकॉप्टर महासंग्राम का विस्फोट करवा सकता है। ये एक घटना पूरे अरब को जंग की अंधी आग में झोंक सकती है। क्योंकि रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश पहली नजर में ही बहुत बड़े षड्यंत्र का परिणाम लग रहा है। हेलीकॉप्टरin parçaları burada. İşte tam da bulunduğumuz bu noktayı tarif etmeye çalışıyoruz. Tamam. Üst tarafa çıkabilir miyiz? Şöyle çıkıyorum, kapatıyorum. Tamam. Evet, şu anda da dediğiniz gibi. सवाल यह है कि अगर रईसी की हत्या हुई है तो इसके पीछे कौन है? ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, या ईरान के दुश्मन नंबर दो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA, या फिर कोई तीसरा जिसे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत से बड़ा फायदा हो सकता था?
अगर इब्राहिम रईसी का मर्डर हुआ है तो ये घटना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए पर्ल हार्बर जैसी तबाही की वजह बन सकती है। जिसकी शुरुआत तो मिडिल ईस्ट से होगी, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया इस महायुद्ध की चपेट में आ जाएगी, क्योंकि इब्राहिम रईसी सिर्फ ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, होती और हिजबुल्ला जैसे ईरान के कम 12 हथियारबंद प्रॉक्सी संगठनों के सिर पर भी इब्राहिम रईसी का हाथ था। इसीलिए रईसी की मौत के बाद हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के बेटे हादी नसरल्ला ने इसराइल को धमकी दी है। कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में इसराइल का हाथ आया तो दुनिया का नक्शा बदल देंगे। हादी नसरल्ला ने कहा है कि इब्राहिम रईसी की मौत के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही आएगी। सवाल यह है कि इस क्रैश कांड में अमेरिका या इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सामने क्यों आ रहा है? क्या इब्राहिम रईसी की मौत उसी एटम बम की वजह से हुई है जिसके ना बनने देने के लिए पिछले 4 साल में ईरान में 4 बड़े हत्याकांड हुए हैं? सत्ताईस अप्रैल को ईरान की राजधानी तेहरान में इब्राहिम रईसी ने एटम बम पर यह बयान देकर दुनिया को चौंका दिया था। इब्राहिम रईसी ने साफ साफ कहा था कि वो एटम बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और इसराइल की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट इब्राहिम रईसी के बयान से मेल नहीं खा रही थी। संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने दावा किया कि ईरान सिर्फ 7 दिन में एटमी शक्ति बनने वाला था। एटम बम बनाने के लिए 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम जरूरी होता है और ईरान के पास 90% क्वालिटी वाला यूरेनियम संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने भी ये दावा किया है कि एटम बम बनाने के लिए जितने रिफाइंड यूरेनियम की जरूरत है, ईरान ने उससे 18 गुना ज्यादा यूरेनियम का भंडार इकट्ठा कर लिया है। तो क्या इब्राहिम रईसी ने अमेरिका और इसराइल को गुमराह करने के लिए परमाणु बम पर काम नहीं करने वाला बयान दिया था? क्या वाकई इब्राहिम रईसी बेहद सीक्रेट तरीके से एटम बम बनवा रहे थे और ईरान अगले 7 दिन में एटम बम बनाने वाला था? अगर संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर निगरानी एजेंसी IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी के दावे में जरा भी सच्चाई है तो हो सकता है कि इब्राहिम रईसी के साथ वही हुआ जो अब से पहले ईरान में एटम बम के मिशन में लगे 3 और लोगों के साथ हो चुका है। January 3, 2020 को ईरानी सेना के जनरल कासिम सुलेमानी की ड्रोन अटैक में मौत हो गई। 20 सितंबर 2021 को ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 अप्रैल 2024 को ईरानी सेना के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की एयर स्ट्राइक में मौत हो गई और 19 मई 2024 को विदेश मंत्री के साथ ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी की मौत के बाद अमेरिका में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को रईसी की मौत से जुड़ी तमाम जानकारियां दी गई। सूत्रों के मुताबिक बाइडेन ने अमेरिकी अफसरों को निर्देश दिया है कि वो अपनी तरफ से कोई सूचना साझा न करें।
हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस के हवाले से पश्चिम मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई रईसी की मौत हत्या नहीं सिर्फ एक हादसा है। लेकिन जिस तरह से ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उससे सवाल तो उठते हैं, क्योंकि रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन सिर्फ वही हाई प्रोफाइल हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें राष्ट्रपति रईसी मौजूद थे। एक साथ चलने वाले 3 हेलीकॉप्टर में कैसे सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की चपेट में आया? क्यों 3 में से एक ही हेलीकॉप्टर में ईरान के सभी वीवीआईपी बैठे थे? क्या राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर बाकी के 2 हेलीकॉप्टर के संपर्क में नहीं था? या राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर ने बाकी के 2 हेलीकॉप्टर से अलग रूट ले लिया था? यह सबसे बड़ा सवाल, क्या हेलीकॉप्टर के कैबिन में विस्फोट हुआ और तब वो पहाड़ी पर गिरा? एक सवाल यह भी है कि क्या इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर हैक अटैक हुआ था? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के जिस बेल 212 हेलीकॉप्टर में रईसी सवार थे वो कम से कम 45 साल पुराना था और हैक अटैक से बचने के लिए इसे अपग्रेड नहीं किया गया था। युद्ध के दौरान हैक अटैक कोई नई बात नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पिछले 3 महीने में नेटो के 5,000 से ज्यादा सिविल फ्लाइट को हैक किया जा चुका है। कुछ दिन पहले रूस पर ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का प्लेन हैक करने का भी आरोप लगा था। अब सवाल यह है कि अगर रईसी षड्यंत्र का शिकार हुए तो इस षड्यंत्र की वजह क्या हो सकती है? ईरान में दुनिया की हर सुपर पावर का स्टेक है। गाजा युद्ध में हमास का खुला समर्थन करने के बाद अरब देशों में ईरान का कद तेजी से बढ़ गया है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस को ड्रोन सप्लाई करके ईरान रूस का भरोसेमंद दोस्त बन गया। चीन से भी ईरान की दोस्ती गाढ़ी हो रही है। सऊदी अरब के साथ ईरान के रिश्ते बेहतर हो रहे थे, जो अमेरिका की अरब नीति में अड़चन था। इजराइल के गाजा मिशन में तेहरान सबसे बड़ा रोड़ा था। रईसी ने इसराइल के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर दी थी। इसके बाद लाल सागर रूट करीब करीब हूती के हमलों से बंद हो गया। यानी रईसी की पॉलिसी अमेरिका और पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर खतरा बन गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।